बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी ना आज मैं सुबह से काफी बिजी थी, आजकल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, इसलिए मैं व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई। अभी शाम हो रही है और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आज ना हम लोगों को, हमारी कॉलोनी में एक अंकल रहते हैं, उनके यहाँ पे गृह प्रवेश की पूजा है और रात का खाना भी वहीं पर है, तो हम लोग को वहीं पर जाना है। तो उसके लिए अभी हम तैयार होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो मेरा नेल पेंट हुआ गया ना, ओहो, मेरा ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि जब भी नेल पेंट लगा रहता है मेरे नाखूनों पे, तो मैं ऐसे ऐसे नाखून से ऐसे खरोच खरोच कर निकाल ही देती हूँ उसको। तो अभी ये चितकबरा था मेरा नाखून, इसको ठीक करना है, फिर जाना है मेरे को अपना कपड़ा प्रेस करने, ऊपर कपड़ा लेके जाऊँगी ऊपर प्रेस करने के लिए, फिर मेकअप भी करना है, मम्मी को भी तैयार करना है। भैया बहुत काम है मेरी ज़िंदगी में। और अभी हम लोग कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे इसलिए मैंने आलाना खाली लगाया हुआ है, बाकी तो अभी तैयार होना पड़ेगा। हम चलते हैं ऊपर, मेरा कुर्ता कहाँ है। A few inches later. तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, आधा तैयार हुई हूँ, अभी मेरा बाल बाकी और लिपस्टिक लगाना बाकी है। बाकी मम्मी अभी यहाँ पे साड़ी पहन रही है। और कभी कभार ना ऐसा सूखा पड़ जाता है बिल्कुल, कि मतलब इतना महीना महीना हो जाता है, किसी का कुछ पार्टी शादी होता नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि एकदम एक के बाद एक लगातार शादी पार्टी जाने का नहीं मन करता इतना एकदम। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, ये हैट्रिक है। हम लोग आज तीसरा बार किसी पार्टी में जा रहे हैं, पहले शादी में गए, फिर बर्थडे में गए, आज गृह प्रवेश में जा रहे हैं, तो एकदम लगातार हैट्रिक हो गया ये तो। हर बार मम्मी यही करती है, प्लेट सेट कर ली बोले पिन लगाओ, ये सेट कर लेगी मम्मी पिन लगाओ, मैं पिन लगाने के लिए रह गई हूँ बस। बस और क्या, तुम्हारा काम क्या है? जल्दी लगा, भैया आएगा अभी यहाँ इस, पे। ये बहुत मोटा साड़ी है मम्मी, इसमें घुसाने में तो मेरे हाथ में घुस जाएगा। अब जैसे भी घुसाएगी वहीं से घुसाऊँ यहाँ से। ऐसे चले भाई, कैसा साड़ी है आपका? नहीं वाह, नहीं चिल्लाता ही नहीं है। देखो पिन नहीं घुसता इसे। आप घुसा के देख लो। वो चिमटी लगा निकाल देना, पता चला मैं चिमटी लगा के चली गई। नहीं हुआ अभी तो, अरे ये टेक्निक करते रहते हैं, कौन नया 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 टेक्निक, उससे नहीं होता है। अभी तो निकल गया था, तुम बोली हाँ फिर घुस गया। सो अभी हम लोग उतर गए हैं सीढ़ी पे, मम्मी और भैया अभी भी तैयार हो ही रहे हैं, मैं और पापा उतर गए हैं। और शिट, रह गया मेरा नाखून पॉलिश, बहुत दिक्कत वाला बात होता है। घुस जा सर, एक उंगली में लगा ही लेता हूँ, जाते जाते सूख जाएगा, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा ऑड वन आउट लग रहा है। कर रहे हैं नीचे उतरो, ठीक है लाइट बंद करके आना, बीच में लाइट छोड़ देना, बाकी तुम उतरो उतरो जल्दी उतरो। क्या करना है? आंखें रख लूंगी अंदर, चलो लेट्स गो। डुगु गृह प्रवेश में आया, लेकिन उसको गृह प्रवेश का मतलब नहीं पता, क्या होता है बताओ? गृह प्रवेश वो होता है हाँ, जिसके अंदर जो दुल्हन होती है हाँ? वो लड़का का घर में जाती है। वाह वेरी गुड वेरी गुड। गृह प्रवेश वो होता है जब कोई नया घर बनाता है, उसका सबसे पहली बार जो पूजा होता है उसको गृह प्रवेश बोलते हैं। आया समझ में है? हाँ जी। अभी हम लोग आ गए हैं पार्टी में और मम्मी ऊपर गई है आंटी से मिलने के लिए, मैं मिल के आ गई। क्या, अरे वही पार्टी हुआ है टाइप से। और यहाँ पे खाना खुल चुका है, तो अभी हमें सोच रही हूँ मैं, ईशु और डुगु, हम खाना खा लेते हैं। हाँ खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि इसको खिलाना पड़ेगा मेरे को। ईशु तुम बड़ा क्यों नहीं होता है, खुद से खाना क्यों नहीं सीखता है? हैं, जहाँ जाएंगे नैन्सी दीदी की ड्यूटी बन जाती है कि ईशु को खाना खिलाना है। ये बात डुगु सही बोला, लेकिन मेरा ड्यूटी बन जाता है ईशु को खिलाना है, डुगु का ड्यूटी बन जाता है मेरे को सब कुछ एक एक चीज ला के देना है। ये हमारी खाने वाली प्लेट, पकवानों वाली, जिसमें कि मैं भी खा रही हूं, ईशु भी खा रहे हैं, मटर पनीर, और ये मिक्स वेज है, यही दोनों सब्जी मैंने लिया। मिक्स वेज ईशु खाता है और मैं खाली पनीर ही खाती हूँ। और जब तक मेरा एक पूड़ी खत्म होता है, ईशु का वन बाइट खत्म होता है मुंह का। एक साइड भर लेता है मेरी तरफ, मैं भी बचपन में ऐसी करती थी, एक साइड में ऐसे भर के एक घंटा। आज ये डॉगी ईशु को काट लेगा, काट तुम्हारे पास ही, देखो तुम्हारे पास आके बैठ गया, आज काट लेगा तुमको। बैठो तो सही तुम चेयर पे। भाई साहब अच्छा लो गुलाब जामुन खाओ। सो हम सब ने अभी खाना खा लिया है, खाना काफी टेस्टी था। अभी पापा थोड़ा अपना ग्रुप में बातें कर रहे हैं, तब तक हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैठे हुए हैं। इशू कर रहा है शैतानी बहुत ज्यादा, आप अगली बार से तुमको मैं कहीं नहीं लेके आऊंगी, देखना समझ जाओ तुम। अरे मम्मी आज मैं पीला, इशू पीला, बड़ी मम्मी पीला, डिगु का पीला, सब पीला पीला। आज थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन पीला पहनना अच्छा होता है। इस मतलब ऐसा सोच के नहीं पहना था, लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस हो गया।
क्या बोला? पक्का पक्का बैठो, सर पे बैठ जा, बैठ जा सर, बैठ जा, यह चेयर खाली नहीं है, देखो सारा चेयर चेयर खाली है, बैठ जा, इशू, बैठ जा सर पे, बैठ जाओ। मम्मी तो हम लोग के साथ डिनर किए नहीं, कहाँ थे आप? आंटी के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, ओ भाई साहब, मेरे को पता नहीं क्या ही है, यार डॉगी आ गया। चलो आज इशू हमें लेके जा रहा है घर और बताएगा कि कहाँ पर हमारा गली है। चलो स्कूटी रोड पे चलेगा तो धूल तोड़ेगा ही। चलो जल्दी जल्दी, कहाँ गली है हमारा? अरे तुम टेढ़ा कैसे होता है चलते चलते, कहाँ इशू? देख रहे हो, पहचान गया। तो हम लोग आ गए हैं वापस घर पे और यहाँ पे मस्त एसी चला के हम लोग बैठे हुए, बिकॉज बाहर से आने के बाद काफी गर्मी लग रही थी इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मम्मी और पापा दोनों फोन में लगे हुए हैं, क्या बताएं हम। और हमारा ना अभी, हम लोग आज जल्दी आ गए थे तो हमारा आज एक मूवी देखने का प्लान है, तो हम लोग अभी मूवी देखने वाले हैं यहाँ टीवी में लगा के। वाओ, बहुत टाइम बाद हम लोग मूवी देख रहे हैं ऐसे लगा के। तो चलिए आज के लोगों को कहते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर 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 से कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, गुड नाइट।